नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज हमारे देश की बेटियां इस हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही हैं कि गरीबी हो या तमाम मजबूरियां हो, उन्हें दरकिनार करते हुए अपने लिए अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी देश की सर्वश्रेष्ठ रग्बी खिलाड़ियों में से एक है, जिनके पिता चाय बागान मजदूर हैं, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रग्बी खिलाड़ी के तौर पर अपनी मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाई है, जिन्हें जब एशिया रग्बी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ 32 खिलाड़ियों की फेहरिस्त बनाई गई तो उसमें भारत की ओर से उन्हीं का नाम शामिल किया गया। हमारी आज की तेजस्विनी है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के छोटे से गांव सरस्वतीपुर की रग्बी खिलाड़ी संध्या राय। संध्या राय एक ऐसा नाम जिसने रग्बी के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम हासिल किया है, लेकिन मुश्किलों से भरा था ये सफर। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी के चाय बागानों के पास का गांव सरस्वतीपुर। पिता चाय बागान में मजदूर हैं। लड़कियां गांव की देहरी से बाहर कभी कदम नहीं रखती थी। 6 किलोमीटर दूर स्कूल और फिर घर का काम। लेकिन जब स्थानीय चर्च के फादर मैथ्यू ने स्थानीय लड़कियों के लिए रग्बी का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया तो मानो गांव की लड़कियों के सपनों को पंख मिल गए। 13 साल की उम्र में रग्बी खेलना शुरू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरस्वतीपुर और आसपास के गांवों से निकली हैं कई बेहतरीन रग्बी खिलाड़ी, जो आज रग्बी के जरिए देश विदेश के टूर्नामेंटों में अपनी काबिलियत दिखा रही हैं। कड़ी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने वाली सोच के चलते संध्या एशिया रग्बी के वैश्विक अभियान इंडिया अनस्टॉपेबल का हिस्सा बनी, जिसमें शीर्ष 32 एशियाई महिला रग्बी खिलाड़ी शामिल हैं। आज खेल के साथ साथ स्कॉलरशिप पर कोलकाता से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है संध्या। रग्बी का खेल भारत में भले ही विदेशों की तरह लोकप्रिय ना हो, लेकिन इसने चाय बागान के आदिवासी समाज की लड़कियों की आंखों में जगा दिए हैं नए सपने, और संध्या अपनी प्रेरणादायक कहानी के जरिए इनके सपनों को धरातल पर साकार करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। संध्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। धन्यवाद मैम। संध्या, आज आप एक जानी मानी रग्बी प्लेयर हैं, दुनिया आपको जानती है, और आप बहुत छोटे से गांव से आई हैं। ऐसे में सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रग्बी ने आपकी जिंदगी को किस तरह बदला? मैंने स्टार्ट किया रग्बी खेलना 2013 से। मेरा मैं छोटी से गांव सरस्वतीपुर से हूँ, जहाँ पे पहले सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट को ही लेके जानते थे आदमी लोग। रग्बी क्या चीज है कुछ किसी को पता नहीं था। तो लड़का लोग खेलते थे फुटबॉल क्रिकेट वगैरह, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते थे। हम लोग घर में रहते थे, 6 किलोमीटर जाते थे साइकिल चला के स्कूल, फिर आते थे घर का काम करते थे, फिर दूसरे दिन वैसे ही हमारा शेड्यूल रहता था। हर दिन का मन करता था लड़का लोग को देख के, अरे ये लोग खेल रहे हैं, हमको भी मन करता था फुटबॉल खेलने का, क्रिकेट खेलने का, लेकिन हम लोग खेलते नहीं थे। तो उसके बाद में 2013 में रग्बी गेम आया। कोलकाता से दो कोचेस थे खेलो रग्बी फाउंडेशन के, वो लोग आए थे 2013 में। तो मैंने देखा पहले, तब बच्चे लोग, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे देख के रग्बी गेम को, क्योंकि न्यू गेम था। हमें नहीं पता था कि ये गेम हमें हमारा लाइफ चेंज कर सकते थे। लेकिन आप लोग तो जैसे संध्या, आप लोग तो हमने आपने बोला कि आप लोग फुटबॉल भी नहीं खेलते थे, तो जब फुटबॉल भी नहीं खेलते तो फिर रग्बी की तरफ कैसे मुड़े आप लोग? मतलब आप लोगों को मौका दिया गया, ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को बुलाया गया, कैसे शुरुआत हुई? आप लड़कियों ने कैसे मन बनाया कि हम रग्बी खेलेंगे? और रग्बी को जब पहली बार देखा, रग्बी की गेंद को देखा, क्या फीलिंग हुई आपको? तो मुझे पता नहीं था रग्बी गेम के बारे में, मैं कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था। बस मुझे पता था कि हाँ चलो मैदान में कुछ नया गेम आया है, बाहर से आए हैं कोचेस लोग, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हुई, मैं गई देखने। तो फिर मजा आया देख के कि सब भाग रहे इधर उधर, सब कुछ ना कुछ गेम खेल रहे, तो बस मैं ज्वाइन कर लिया। मुझे इतना नहीं पता था कि बाद में जाके ये गेम मुझे इतना आगे तक लाएगी, ये कुछ नहीं सोचा था। तो उसके बाद जिंदगी कैसे बदली? मतलब पहले आप लोगों की जिंदगी कैसी थी? क्योंकि दूर दराज के गांव की बात करें तो
कभी गांव से बाहर गई थी क्या आप? नहीं मैम, मैं पहले हम कभी जब रग्बी नहीं खेलते थे, मैं पहले गांव से बाहर नहीं गई थी कभी भी। इतना बड़ा बड़ा कोलकाता जैसे शहर वगैरह, बड़ा बड़ा शहर कभी नहीं गई थी। बस टीवी में देखते थे कि जब टीवी में देखते थे कि ये कोलकाता है, मुंबई है, लेकिन कभी सोचे नहीं थे। तो जब आप लोगों ने रग्बी खेलना शुरू किया, फिर आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई, उसके बाद कैसे बाहर जाने का बना आप लोगों का, और वो क्या एक्सपीरियंस था आपका जब पहली बार आप गई और खेलने के लिए, टीम के लिए गई? हाँ, तो पहले मेरा सबसे पहले टूर था भुवनेश्वर किले उड़ीसा, वो अंडर 19 था, फर्स्ट हमारा वुमेन्स टीम फॉर्म हुआ था तब उस टूर्नामेंट के लिए। तो वो 2014 में था, पहला टूर्नामेंट था हमारे लिए, पहला वो हमारे गांव से कोई बाहर गया था उड़ीसा। तो हम लोग गर्ल्स लोग गए थे उड़ीसा खेलने, तो उसके पहले हम लोग अपना पेरेंट्स लोग से परमिशन लेने गए कि हम लोग जा रहे खेलने बाहर में उड़ीसा। तो वो लोग पहले बहुत, मेरे जो टीम में थे दो तीन जन का पेरेंट्स उनको मना के बोले कि मत जाओ, और मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि अरे तुम लोग को लेके जा रहा है, क्या पता उधर पे जाके तुम लोग को क्या करेगा, कुछ पता नहीं है। तो वो लोग का माइंड में ऐसे रहता था, डर रहता था एक कि अरे लड़की को बाहर लेके जा रहा, पर वो पहला टाइम था। तो पहले हम लोग ने बहुत कन्विंस किया अपने पेरेंट्स के साथ कि हमें जाने दो खेलने दो। तो हमारे सर लोग भी थे, वो लोग भी जाके पेरेंट्स से बात किया, उसके बाद में हम लोग को खेलने जाने दिया। तो हमारा पहला, हम कोलकाता आए पहले, तो वो तो मैं टीवी में ही देखा था कोलकाता बहुत बड़ा शहर है ऐसे ऐसे, लेकिन जब रियल में देखा कि तो ऐसे लगा कि वाव कितना अच्छा शहर है, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह देखने को मिला, बहुत ज्यादा खुश थे हम लोग। और जब आप लोग जीत के वापस लौटे तो गांव वाले भी बहुत खुश हुए क्या कि लड़कियों ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है? क्या वो भी आपको प्रोत्साहित करते रहे, गांव वालों का कितना सहयोग मिला आपको? हाँ, तो जीत के तो आए थे हम लोग दो बार, हम लोग ने एक बार क्लब गेम जीता था, हम लोग ने वहाँ पे रनर सब हुआ था, वो हमारा पहली बार था, वो नागपुर में था हमारा। उसके बाद में हम लोग आए, हम लोग को स्वागत किया गया गांव में कि चलो लड़के लोग जीत के लाए हैं ट्रॉफी, हमें बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। तो हम लोग बहुत ज्यादा और एक्साइटेड हो गए, चलो इतना अच्छा हम लोग को सम्मानित किया जा रहा है तो हम लोग और अच्छे से करेंगे। उसके बाद में हमें इंडिया कैंप में बुलाया गया अंडर 18, वो इंडिया कैंप हुआ था मुंबई में, वो 2017 में था, वो था पेरिस के लिए, फ्रांस, वो था वर्ल्ड पेरिस गेम के लिए। अच्छा। तो हम लोग, हमारे गांव से 5 लड़की लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे उस इंडिया टीम में पहली बार। तो हम लोग गए थे फ्रांस खेलना, वो हमारा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, इंटरनेशनल हम लोग बाहर गया था खेलने, खेल के आए हम लोग वहां से। फिर गांव में हमको बहुत ज्यादा स्वागत किया गया, बहुत खुश थे सभी जन की हमारा बच्चे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए, मेरा मम्मी पापा सबका पेरेंट्स बहुत खुश था। और तभी से शायद हमारा रग्बी का मोड़ बदला, पहले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब हम लोग ने इंडिया खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बाहर कंट्री में जाके आया, उनको वीडियोस वगैरह दिखाया, फोटोज वगैरह दिखाया, तब से वो लोग बहुत ज्यादा फिर सपोर्ट करने लगे। पर हमने सुना है संध्या कि आपके गांव के लोग आप पे विश्वास ही नहीं करते थे कि आप लोग पेरिस तक जाकर आए हो, सही है क्या? हाँ, वो लोग विश्वास नहीं करते थे कि अरे तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जब हम लोग पहली बार जब जीता था, हम लोग रनर्स अप हुए थे नागपुर में 2014 में, तब वो जब हम इतना बड़ा ट्रॉफी लेके आए तो वो लोग बोल रहे थे अरे खरीद के लेके आए, सब नहीं बोल रहे थे लेकिन कोई कोई था जो बोल रहे थे अरे खरीद के लेके आए ट्रॉफी, जीत के नहीं आए ऐसे ऐसे, उनको पता नहीं था कि हम लोग खेल के भी आए हैं। लेकिन बाद में वो लोग देखा, न्यूज वगैरह में देखे, टीवी वगैरह में देखा, तब उन्होंने हाँ विश्वास करने लगे, हाँ ये लड़की तो सचमुच खेलने जा रहे हैं जीत के आए। जी अच्छा संध्या, आपके पिताजी चाय बागान में मजदूर के तौर पे काम करते थे, आपके माता पिता दोनों ही मजदूरी करते रहे हैं, घर के कैसे हालात थे बचपन में जब आप छोटी थी, जब आपको उस वक्त की क्या मुश्किलें थी आपके परिवार की जिन्हें अब आप आसान कर पाई हैं? तो मेरा तो यही था कि पापा काम करते चाय फैक्ट्री में एज अ लेबर, और मम्मी हाउसवाइफ है, मम्मी का एक छोटा सा बिजनेस है, दुकान है, वो चलाते हैं। तो पहले हमारा उतना मुश्किल नहीं है, हम लोग हाँ हम लोग खाने, हम लोग 3 टाइम का खाना ठीक से खा लेते थे,
लेकिन जैसे कि मुश्किल पढ़ाई में अब दूसरे लोग देखते थे, कोई कोई था वहां पे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया करते थे, तो मुझे भी मन करता था कि अरे मैं भी जाती इंग्लिश मीडियम पढ़ाया करती, मुझे इंग्लिश बोलने का। तो छोटी में बहुत अच्छा लगता था इंग्लिश में गाना सुनना वगैरह, लेकिन बोल नहीं पाती थी। तो मैं सोचती थी काश मैं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ती तो मैं शायद इंग्लिश बोल पाती इन लोग के तरह। तो वही था, फिर उसके बाद में जैसे कि बहुत अपना इच्छाएं था बहुत सारा कि हाँ मुझे ये ड्रेस पहनना है, अच्छा अच्छा ड्रेस देखती थी मैं टीवी वगैरह में, तो वो सब खरीद नहीं सकती थी क्योंकि उतना इनकम नहीं था पापा का, लेकिन लेकिन ठीक था। आपने जब रग्बी खेलना शुरू किया तो आपने कहा कि आप लोग जब पेरिस गई तो आपके गांव की 5 लड़कियां सब मिलकर इकट्ठे इस टीम का हिस्सा बनी और पेरिस गई। अब तो एशिया रग्बी ने आपको अनस्टॉपेबल ये टाइटल दिया है, आप इस कैंपेन का हिस्सा है, तो ये अनस्टॉपेबल का जो आपको टाइटल मिला है, इस कैंपेन में जो आपको शामिल किया गया है, इसके पीछे क्या राज है, क्या ऐसी खासियत है आप में बतौर खिलाड़ी कि आप इस कैंपेन का हिस्सा बनी है? तो ये जो अनस्टॉपेबल वाला जो कैंपेन था, इसमें टोटल सभी लड़की लोग 65 लड़की लोग ने इंडिया से इसके लिए अपना स्टोरी दिए थे, एप्लीकेशन ये किए थे, लेकिन इनको मेरा सबसे अच्छा बेस्ट स्टोरी लगा। इसमें मेरा क्या है कि मैंने जब मेरा यहाँ तक मैं अभी जो हूँ अनस्टॉपेबल तक का जो सफर है, एक संध्या से एक अनस्टॉपेबल वुमन तक का सफर, वो थोड़ा सा चुनौती भरा था। गांव की वो लड़की, छोटी सी गांव का, पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है हम लोग ने, गांव में सपोर्ट नहीं करते थे लेकिन वो सबको अगेंस्ट थे हमारे, लेकिन हम लोग ने सबका दिल जीत के आगे आए। अभी वो लोग बहुत सपोर्टेड थे और इतना आगे तक आए, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, हम लोग ने स्टॉप नहीं किया, तो ये अनस्टॉपेबल वुमन इसलिए मैं कहलाता हूँ जी। एक खिलाड़ी के तौर पे आप संध्या, आपका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मतलब आपकी ताकत क्या है एक खिलाड़ी के तौर पे, क्या खासियत है आपकी, जब हम कहें कि संध्या रग्बी प्लेयर है तो क्या वो एक क्वालिटी है आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक रग्बी खिलाड़ी के तौर पे? एक रग्बी खिलाड़ी के तौर में सबसे अच्छा जो बात है मेरे अंदर वो है नेवर गिव अप वाला। तो अगर मैं ग्राउंड में रहती हूँ, चाहे हम लोग हार भी रहते हैं, लेकिन हम लोग गिव अप नहीं करते कभी भी। अच्छा चलो हम लोग हार रहे, हम लोग को रहता है पता कि अच्छा चलो हम लोग हार रहे हैं, हम लोग जीत नहीं पाएंगे, लेकिन चलो लास्ट तक हम लोग अच्छा खेलेंगे, एक टीम को लेके अच्छा खेलेंगे। एक लीडरशिप क्वालिटी रहता है कि चलो टीम में जो भी हो हमें एडजस्ट करके सबसे अच्छा खेलना है, सबको कैसे खुश रखना है टीम मेट लोग को, तो एक अच्छा क्वालिटी है। तो जब आप बाहर गई खेलने के लिए, पहली बार विदेश गई संध्या, उस वक्त तो दूसरे देशों की भी बहुत सारी खिलाड़ी आई होंगी, क्या दिल में धुक धुक हुआ थोड़ा उस वक्त कि इनके साथ हमें खेलना है, क्या थोड़ा ऐसा कोई डर था मन में? हाँ, जब पहली बार जब खेलने गए थे इंटरनेशनल बाहर पेरिस में, तब वहां पे सब अंडर 18 था वो वाला, लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन वो लोग बहुत बड़े बड़े थे, लग नहीं रहते कि ये लोग अंडर 18 है। जैसे कि हमारे कंट्री में क्या होता है, छोटे छोटे रहते हैं अंडर 18 जो भी 18 साल के नीचे रहे, छोटे छोटे रहते हैं पतले पतले, लेकिन वहां पे कुछ अलग ही था। देखा अंडर 18 इतना बड़े बड़े थे, लग ही नहीं रहता कि वो लोग अंडर 18 है। तो वो वाला टूर्नामेंट में बहुत डर लग रहा था उन लोग से खेलने के लिए कि अरे ये लोग मार देंगे, और आपको तो पता है रग्बी एक कॉन्टेक्ट गेम है, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट होता है, तो डर लगा वो वाला टूर्नामेंट में थोड़ा। लेकिन उसके बाद में जब हमें समझ में आया कि रग्बी एक ऐसा गेम है जिसमें आपको सभी साइज मैटर करता है, बड़ा साइज छोटा साइज, और हमें हमेशा बताया जाता था कि छोटा तुम्हारे पास एडवांटेज है कि तुम छोटे साइज के हो तो तुम अच्छा से नीचे मार पाओगे, तो उसके बाद में फिर डर नहीं लगता अभी। तो अभी आप निडर होकर खेलती हैं और आगे बढ़ती हैं। संध्या आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान हैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रग्बी खिलाड़ी संध्या राय। संध्या, आपने जब इतना अपना एक मुकाम हासिल किया है, एक अपनी पहचान बनाई है आपने रग्बी खिलाड़ी के तौर पर, और देश में रग्बी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन अब आप अपने गांव के और बच्चों को कैसे सिखा रही हैं? क्या आप उन्हें भी प्रेरित कर रही हैं, लड़कियों को, कि वो भी आगे आए आप ही की तरह रग्बी खिलाड़ी बने? अभी वो लोग भी, हमारे गांव के लोग, बच्चे लोग हैं, बहुत जन हैं, वो लोग भी अभी अंडर 18 में जस्ट रिप्रेजेंट किए हैं इंडिया में। उन्हें देख के, हमें देख के, और भी बच्चे लोग जो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, वो लोग भी अभी रग्बी में ज्वाइन करते हैं। नए नए बच्चे लोग रग्बी में ज्वाइन करते रहते हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि वो लोग भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें, वो भी अपने स्टेट के लिए खेले, वो भी क्लब के लिए खेले, वो भी वो गांव से बाहर आए, बाहर की दुनिया देखे, दूसरे स्टेट जाए, इंटरनेशनल टूर करे। तो अभी वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, नए नए बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं रग्बी में। अच्छा। अब खेल में तो बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन क्या आप साथ में पढ़ाई भी कर रही है? यस मैम, 2013 में जब मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया, उसके बाद में खेलो रग्बी फाउंडेशन, जिसने मुझे रग्बी का इंट्रोड्यूस कराया था 2013 में, वहां से मुझे स्कॉलरशिप मिला 3 इयर्स का। वो था स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मैंने डिग्री कंप्लीट किया 2021 में अगस्त मंथ में। अच्छा, यस। तो अब आप ग्रेजुएट हो गई हैं। मैं कोलकाता में रहकर अपना स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ाई कंप्लीट किया, और अभी मेरा जो गांव का और एक लड़की है लक्ष्मी उराव, वो भी रग्बी प्लेयर है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और एक स्मिता और वो भी एक इंडियन रग्बी प्लेयर है, वो भी मेरे साथ सेम मेरा कॉलेज में पढ़ाई कर दी है। अच्छा, तो आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं? यस मैम, अभी मैं पढ़ाई और अभी रग्बी को लेकर थोड़ा सीरियस हूँ, और अभी मैं जॉब अभी दूसरा लाइन में देख रही हूँ। अच्छा, एक बात बताओ संध्या, जैसे अब तो आपके गांव की लड़कियां आपकी तरह कॉलेज में आके, कोलकाता में कॉलेज में आके पढ़ाई कर रही हैं और डिग्री ले रही हैं, क्या पहले भी आप लोग ऐसा कर पाती थी? क्या पहले भी आपके गांव की लड़कियां बाहर निकलकर आगे पढ़ाई कर पाती थी? नहीं मैम, बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल संभावना नहीं थी, एक इतना अच्छा कॉलेज में आगे पढ़ाई करना, कोलकाता जैसे बड़े सिटी में रहना, वो हमारे फैमिली के लिए तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं था। तो रग्बी की वजह से जो मेरा फाउंडेशन है खेलो रग्बी, उन्होंने मेरे लिए बहुत सोचा, पहले से करते आ रहे वो लोग। जब मैं 9, 10, 11, 12 में मेरा स्कॉलरशिप था, ये लोग ट्यूशन दे रहे थे, ट्यूशन फीस वगैरह, फिर अपना बुक्स वगैरह अगर नहीं रहता था वो सब खरीदने के लिए पैसा वगैरह, सब सब खेलो रग्बी की वजह से, जो भी रग्बी से मुझे मिला बहुत सारे हेल्प। तो रग्बी ने आपकी जिंदगी को बदल दिया संध्या। लेकिन अभी तक कितने देश घूम चुकी हो आप संध्या? अभी तक मैंने लगभग 8-9 देश घूम चुकी। अच्छा, तो इतनी जगह जब आप घूम के आई हैं, तो कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी है अभी तक आपको? मुझे सबसे अच्छा लगा अमेरिका, न्यू जर्सी सिटी। मैं वहां पे रग्बी खेलने नहीं गई थी, मैं वहां पे एक प्रोग्राम पे गई थी, स्पोर्ट्स विजिटर एक्सचेंज प्रोग्राम था, वो भी मुझे रग्बी के थ्रू से ही मिला था, एक अमेरिकन कॉन्सुलेट वहां से। तो वहां पे बेसिकली वहां पे 65 लड़की लोग थे, सब अलग अलग कंट्री से आए थे, वहां पे हम लोगों ने एक साथ 2 वीक्स गुजारे, बहुत सारी चीजें सीखे। जूली फाउडी एकेडमी, जो जूली फाउडी जो एक अमेरिकन सॉकर फुटबॉलर है, वो भी खेलते हैं, उनके साथ मीट हुआ, बहुत सारी चीजें एक साथ हुआ प्रोग्राम में, अच्छा था वो वाला सबसे अच्छा। कितने अच्छे अच्छे अनुभव आपको मिल पाए हैं रग्बी की वजह से। लेकिन संध्या, अब कौन सा ऐसा रग्बी प्लेयर है जो आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट आकाश वाल्मीकि, जो एक रग्बी प्लेयर है, इंडियन रग्बी प्लेयर है। उन्हें देख के मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि वो हमें, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, उनका भी उतना अच्छा नहीं था घर का परिस्थिति, लेकिन वो सब लड़ाई करके वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, काम कर रहे हैं। तो उन्हें देख के मैं बहुत ज्यादा प्रेरित होती हूँ, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ, एज अ आइडल मैं उनको मानती हूँ।
जी, तो अभी आप इतनी छोटी उम्र की हैं अभी, तो क्या कुछ और शौक रखती हैं आप खेलने और पढ़ाई के अलावा? खेलने पढ़ाई के अलावा मुझे डांस बहुत पसंद है। तो आप अगर मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे डांस वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि तो मुझे डांस करना छोटे से, जब मैं छोटी थी तब से मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो मैं डांस करती रहती हूँ, वीडियोस वगैरह, शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, छोड़ती हूँ, डांसती हूँ। अच्छा, तो आप जब कुछ जीत के आप लड़कियां लोग गांव पहुंचती हैं तो कैसे इंजॉय करती हैं, कैसे सेलिब्रेट करती हैं? खूब गाती हैं? हम लोग हमेशा एक गाना गाते हैं, हमेशा नहीं, मतलब जब हम लोग जीतते हैं, जब हम लोग एक साथ रहते हैं तो एक गाना गाते हैं। तो मैं आपको छोटा सुनाती हूँ वो गाना। पी पियो पियो डार कर बस पियो पियो रे डार कर मटी भानवे, पिया पियो रे डार कर मटी भानवे, सोना पियो रूपा पियो रजो पियो रे डार कर बसल पियो पियो रे डार कर मटी भानबे। क्या बात, बहुत बढ़िया। आप गाती भी बहुत अच्छा है और डांस तो आप कह रहे हैं, बहुत वीडियोस आप अपलोड करती ही हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन ये बताओ मुझे कि जब आप किसी मैच के लिए जाती हो संध्या, तो क्या फीलिंग क्या होती है? मतलब जब आप मैच ग्राउंड पे एंटर करने से पहले मन में क्या फीलिंग होती है? क्या कुछ खास भी है ऐसा कुछ जो आप जरूर करती हैं मैच के लिए, मैच से पहले? पहले मेरा है, मैं थोड़ा सा मैच से पहले थोड़ा सा मैं नर्वस होती हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरे को लगता है कि नर्वस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नर्वस हो तो आप में वो उत्साहित नहीं आएगा, वो इंस्करेज नहीं आएगा कि अच्छा मैं अच्छा करना ही है। जैसे कि मैं सोचती हूँ कि हमने पहले बहुत मिस्टेक की वजह से, एक तो मिस्टेक की वजह से हम लोग कोई कई मैच हार रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, इस बार वो अच्छा करना है, चलो कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस बार टीम को लेके खेलना है, ये मेरा दिमाग में रहता है मैच से पहले। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि थोड़ी बहुत नर्वसनेस होनी चाहिए ताकि आप अच्छा कर सके, है ना? तो इतनी सारी हमारे देश की बेटियां होंगी जो हो सकता है रग्बी नहीं लेकिन किसी ना किसी खेल में आगे बढ़ के कुछ करना चाहती हो, तो संध्या आप तो उनके लिए एक आइकॉन की तरह हैं कि आप गरीबी से उठी और मेहनत के बल पर आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। लेकिन हमारे देश की उन बेटियों से भी आप कुछ कहना चाहेंगी, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? आपको लाइफ में जो अच्छा लगता है करने का, अगर आपको ठीक है स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं, आपको अगर डांस पसंद है तो आप डांस में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, आपको अगर गाना पसंद है आप लोग गाना कर सकते हैं, आपको अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड पसंद है कोई भी गेम, आप अगर उसमें अगर अपना जान लगा देंगे कि चलो मुझे मेरा जो गोल सेट करिए, एक छोटा गोल सेट करिए, एक बड़ा गोल सेट करिए, आप वो दोनों गोल को, अच्छा मुझे स्टेट करना है अपने के लिए, अपने लिए, तो मुझे स्टेट तक कैसे पहुंचना है, वो क्या प्रोसेस है उसका, कैसे मैं वहां तक पहुंचू, स्टेट के बाद आपका खेलने का ऑब्वियसली आपका मन करेगा, इंडिया खेलने के, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश के लिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करिए। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, इंडिया मेरा एक सपना था खेलने के लिए इंडिया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया। और आपका प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे लाइफ में, सभी जन का प्रॉब्लम्स आता है, कोई ना कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है, तो आप कुछ तो वो प्रॉब्लम का चैलेंज आप उसको फेस करिए, आप वो चैलेंज वगैरह पार करिए। और पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे अपने बच्चे लोग को, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर मेरा भी टीम हो गया जिनमें पेरेंट्स सपोर्ट नहीं किया, इतने वो लोग ड्रॉप आउट हो गए, तो जान रहे कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब आप छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं क्योंकि आपने उन सबको अनुभव किया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके संध्या, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप विश्व पटल पर भारत का नाम रग्बी में यूं ही रोशन करते रहिए, यही हम सबके शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी संध्या राय, और अब बात करते हैं आजादी की वीरांगनाओं की, और आज की हमारी वीरांगना है पार्वती गिरी। उड़ीसा की आजादी की वीरांगना पार्वती गिरी का बचपन स्वतंत्रता सेनानी पिता धनंजय गिरी के देशभक्ति के जज्बे के साए में बीता। 11 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गई। महज 16 साल की उम्र में ही ब्रिटिश सरकार विरोधी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए और बरगढ़ की अदालत में सरकार विरोधी नारे लगाने के लिए 2 साल के लिए संबलपुर जेल में कैद रही।
लेकिन नाबालिग होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद गिरी ने 1942 के बाद बड़े पैमाने पर पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए अभियान चलाया। आज़ादी के बाद समाज सेवा के जरिए राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रही, इसीलिए उन्हें ओडिशा की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। ऐसी वीरांगनाओं को देश कर रहा है सलाम। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप अपने मैसेजेस अपने ईमेल्स के जरिए हमें जरूर भेजते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है tejasvini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।